है कोई सदमा है या कुछ मैनेज करोगे? ये अब प्यारी लग रही है, उसने स्टिकर उतार दी है और बाकी जो क्या मसला आ रहा है अंकल? वायरिंग शॉर्ट है तो अभी काम ये इलेक्ट्रिशियन पकड़ लेगा चोर को। जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे होंगे और बेहतरीन होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? दो दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि हम दो दिन से शहर में नहीं थे, शहर से बाहर थे और व्लॉग नहीं किया। बस नहीं किया तो फिर नहीं किया ना, फिर क्या कर सकते हैं यार। अच्छा पहली बात तो ये है कि रहमान साहब जो है वो छुट्टी कर गए, चले गए अपने घर। हमें चाहिए एक लड़का, लड़का चाहिए जिसको एडिटिंग भी आती हो, सब चीज़ें उसको पता हो, यूट्यूब के बारे में और वीडियोस के बारे में, एडिटिंग के बारे में उसको पता हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो मुल्तान से है, और अगर मुल्तान से बाहर का भी है तो ज़्यादा दूर का ना हो, यानी कि मुल्तान के राउंड अबाउट ही हो, जानिया खाने वाल, अगर रिहाइश वगैरह भी चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। खाना पीना रोटी पैसे हर चीज़ मैं दे दूंगा, पर लड़का मुझे ऐसा चाहिए जिसको काम आता हो, मुझे ना सिखाना पड़े, वो मुझे सिखाए मैं उसको ना सिखाऊं। तो गाड़ी हमारी जो दो दिन से थी मुल्तान ही खड़ी थी, क्योंकि हम उस्ताद यानी कि वसीम भाई की गाड़ी पर गए हुए थे दो दिन से शहर से बाहर, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर बैटरी वाले को बुलाया क्योंकि ये गाड़ी ना अपनी बैटरी कंज्यूम कर रही है, क्या कर रही है मुझे खुद भी नहीं पता। तो पहले तो उसको करवा लेते हैं सर्विस, क्योंकि परसों तरसों हुई थी मुल्तान में बारिश, तो जब से फिर ये ऐसी ही खड़ी हुई थी गंदी मंदी, पहले तो सर्विस करवा लेते हैं। और एक और बहुत बड़ा सदमा लग गया हमें कल रात को, वो क्या लगा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि प्रैंक वाली वीडियो कुछ भाई कह रहे थे कि स्क्रिप्टेड है, भाई मैं तो किसी को भी कुछ नहीं कह सकता, जो आप लोगों को बेहतर लगे वही ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो है नहीं। आप सब मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे दोस्त हैं, सब प्यार करने वाले हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। बाकी आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे नहीं सीधा 9 नंबर चौक पे, तो शोरूम पे भी आपको पता ही है कि एक महीना हो गया तकरीबन एक महीने से ज़्यादा ही हो गया, चक्कर चुक्कर हमने कोई नहीं लगाया, काम शाम कोई नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से हम शोरूम पे भी बैठेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले तो गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा मैली है और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये मुझे डरा रहा है कि भाई तेरा 500 का नुकसान हो जाएगा, सर्विस कराएगा तो बारिश हो जाएगी। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, और ये हमारा मुल्तान, स्वीट मुल्तान, 9 नंबर चुंगी, आई लव मुल्तान। ये रखे वाला भाई गलत आ रहा है और ये भाई भी गलत आ रहा है, और उसने मार दी मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है मारी है टायर में, बॉडी पे नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है। ब्लॉगिंग के चक्कर में ये भी होता है भाई जन, ये भी होता है, अब अल्लाह करे ना लगी, वैसे आवाज़ तो नहीं लगने की। लोग स्पीडों में बहुत जाते हैं, पागल हो जाते हैं चौक के ऊपर ना, ऐसे अफरा तफरी मचा देते हैं, अल्लाह करके ना लगी हो, देखते हैं जाके। दिल तो तकलीफ कर रहा है क्योंकि इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता ना, सबसे बड़ा मसला ये है, या तो उसका सामान मिल जाता होता ना तो आपका वैसे कोई टेंशन ही ना होता, इसके मिलता नहीं है, फिर बड़ी अप्रोच करनी पड़ती है, अल्लाह ख्याल करेगा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा शोरूम जा रहा है, अभी आते हैं हम सर्विस करा के। सर्विस स्टेशन पे और गाड़ी के मैट शैट देख लो, फिर पूरा हाल हुआ है, और गाड़ी जो हमारी लगी है नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है, कहीं से भी नहीं लगी, और हाल देख रहे हो उसका, हाल से बेहाल हुई हुई है भाई, जैसे आप चिकने चिकने हो ना वैसे हमारी गाड़ी को भी चिकना 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 का। समझ रहे हो आप, पप्पू बच्चा लग रहे हो आप, पता है आपको, देख रहे हो हाल से बेहाल हुई पड़ी है। अभी मुझे लग रहा है कि फिर बारिश आएगी। हवा मारो अंदर से, मैं तो मैली गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, उधर ये जरूरत है, ज्यादा मैली है, कोई बात नहीं, सर्विस वगैरह करा लेते हैं। मैंने तो एटीएम मार लेता ना सामने, एटीएम है। आप कैसे हैं? आप तो नवाब बने बैठे हैं आज, हाउ डू यू कैसे हैं? तब वैसे ठीक है आपकी? अरे जो सामने है जी एटीएम, पहले तो एटीएम मार ले, खर्चा मर्चा कोई नहीं है जेब में। गाड़ी कैसी लग रही है हमारी? प्यारी प्यारी लग रही है, नारी आ रही है शैम्पू से नहा रहा है ना, सरफ से नहीं नहाती है, शैम्पू से नहाती है, नहीं तो नाराज हो जाती है ये। अच्छा ठीक है, नहीं है इसको पीछे कर दें, सारे गीले कर देंगे, फिर बाद में टूटते भी नहीं है। प्लास्टिक वाले तो मैं धुलवा लेता हूँ, बस ठीक है, प्लास्टिक वाले धो देते हैं इसके, और ये वाले भी धुलवाता हूँ, खराब करती है ना, टूटते भी नहीं है। अच्छा हमने दूसरा काम जो था वो आपके भाई को लग गया, गम कौन सा लगा? सदमा। तो मोबाइल आपके भाई का एक्सेस मैक्स, और ये चल नहीं रहा, देख रहे हो नहीं चल रहा,
ये आगे नहीं जाएगा, गिर गया मुझसे, नुकसान हो गया। इसकी LCD पता की है 35,000 रुपये की LCD बता रहे हैं। LCD चल रही है पर काम नहीं कर रही है। एक दबाएंगे, चार दबाएंगे, ये सात नहीं दबेगा, आठ नहीं दबेगा, यानी कि ऊपर वाला सीन चल रहा है इसका हिस्सा और नीचे वाला डेड हो गया। बच्चे ने पूछा है, वो बोलते हैं चिप डलेगी, अगर चिप ना डली तो फिर आपकी LCD ही डलेगी। तो 35,000 रुपये का सदमा लग गया भाई आपके भाई को, भाई सुबह सुबह लग गया है। सुबह मैं उठा तो ये गिरा पड़ा था बैठ के नीचे, तो अब इसको भी जाके ठीक करवा लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ माल प्लाजा जाऊँ या रहमा सेंटर जाऊँ, रहमा सेंटर करीब है, पहले रहमा सेंटर चेक करवा लेते हैं, नहीं तो फिर माल प्लाजा जाना पड़ेगा। अच्छे मिस्त्री वहीं बैठे हैं माल प्लाजा में, सदमा लग गया यार आपके भाई को। बस यहाँ से निकलते हैं, एक नया चांद चढ़ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगा के पीछे की है और सामने हमारी वर्कशॉप है, उधर आ गया। मैंने कहा भाई वो बैटरी उठाओ और उसको स्टार्ट करें, वो तीन चार दिन से जब स्टार्ट नहीं होती ना बैटरी ठंडी हो जाती है, पता नहीं उसको कोई जनरेटर का मसला क्या मसला, मुझे समझ नहीं आ रही, जलील कर रही है। बाहर से काम मैं नहीं करा रहा, कल करवा लेंगे, अभी फ़िलहाल उसको स्टार्ट करवाते हैं। बैटरी उसको बोला बच्चे को, वो किसी और गाड़ी की निकालेगा बैटरी ना, जैसे उसकी निकाल लेते आल्टो की। अदर भाई लगे पड़े हैं पेंटिंग शेंटिंग में, सुनाओ अदर भाई काम शाम को सुनाओ, सही है मज़े हो रहे हैं। चलो चलो माशाल्लाह, उठा लो भाई ना उधार से, उधार उठा लो, उठा लिए भाई ने उधार उठा लिए जी। और सामने शराड खड़ी, शराड है कौन सी, ये टोयोटा लिखा हुआ है तू कर, अच्छा टोयोटा शराड, टोयोटा शराड की जी, इसकी बैटरी निकालता हूँ जी, गाड़ी ना उठा दे हमें तो उठा दे। क्या हाल है शाह जी, ठीक है आप, तबीयत ठीक है आपकी, तबीयत ठीक है। ये शराड कहाँ से, ये तो टोयोटा की गाड़ी है, अच्छा टोयोटा शराड है, शराड तो किसी और कंपनी की होती, रास्ते ही नहीं जाने का, लेकिन हम चले जाएंगे। अच्छा जिसकी बैटरी निकाल के उसको टोच को कर लेंगे, ये तो बैटरी भी बहुत बड़ी है। चलो खोलो इसको फिर देखते हैं, जो है लेके जा रहे हैं आज, पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया, मौसम भी ख़राब, गाड़ी भी ख़राब, मोबाइल भी ख़राब, पता नहीं क्या स्टोरी बनी है। वो वाली गाड़ी है छोटे वाली, हालांकि अभी मैंने मिस्त्री को बुला कर स्टार्ट करवाई थी, लेकिन ये दोबारा मेरे घर इधर आके धुली है ना, दोबारा खोद हो गई है, खोद हो गई है यार। मैट धुलवा दो यार, गाड़ी फाइनल होगी, आप लोगों ने मैट नहीं धोए यार, अंदर से सीटें वगैरह भी देख लेना, ये साइडें वगैरह भी, बोनट मैंने खोला हुआ है, ये देखें जी अभी 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 इसको क्या ऊपर रखेंगे, क्या करेंगे भैया, इसको उसके ऊपर रखेंगे, ऊपर रख के हो जाएगी, चलो ऊपर रख दो फिर, इसके प्लस माइनस देख लेना, पता लगे कोई नया पटाखा बजे, पहले सुबह सुबह किसके साथ शक्ल देख के आया हूँ मैं, लगाओ तो लग। अच्छा भाई सलफ लगा लेते हैं, वो अच्छा पानी लेकर आया है, पानी लेकर आया, वो मीना गाड़ी करेगा, सलफ लगाते हैं जी। हाँ जी लगाऊं, ऐसे पूछना लगाऊं, बताइए ज़रा, हाँ जी लगाऊं, हाँ जी हो गई है, अब रेल दे के रखेंगे थोड़ी देर, मुझे स्टार्ट रहेगी इसको, बंद नहीं करूँगा मैं एक घंटा। हालांकि नई ब्रांड न्यू 0 मीटर मैंने बैटरी लगवाई है भाई, ये देख लेने इधर मट्टी वगैरह सारा अंदर वगैरह साफ कर देना, अच्छा तरीके से नहीं करते आप लोग, फिर मैं आइंदा नहीं आऊँगा आपके पास। अच्छा जी अब इसको स्टार्ट ही रहने देते हैं, ये स्टार्ट ही रहेगी अभी, ये तो बंद नहीं करते, बंद तो नहीं हुई ना। अब इसको मसला क्या है, ये क्यों ऐसा कर रही है, मैंने 3 दिन बाद इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुई है, बैटरी नहीं, 0 मीटर बैटरी डाली है मैंने, वारंटी में बैटरी है। जनरेटर कौन चेक करता है, कहाँ बैठा हुआ है, कितनी देर का काम होता है, ये घंटे देर का काम, फिर कल ही कराएंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले मोबाइल वाला मतलब आना ज़रूरी है। चलो मेहरबानी तो बताएं पहले, ये है कि मज़ा बड़ा आता है, और आने करीब एक सरप्राइज़ आने वाला है, मेरा नहीं है सरप्राइज़ वो, तो हमारा एक भाई है बहुत प्यारा, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं भी सरप्राइज रिवील नहीं करूँगा, 5-7 दिन बाद आपको खुद ही सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा। वो क्या सरप्राइज़ है, गाड़ी है ऐसी है, इससे बड़ी है, ये जो सस्ती है ना वो 3-4 करोड़ की गाड़ी है, वो हमारा एक भाई लेने लगा है इंशाल्लाह, कमिंग सून उसकी गाड़ी आने वाली है, फिर आपको भाई वो गाड़ी दिखाएगा बताएगा, वो ब्लॉग भी बनाएंगे रिव्यू भी करेंगे उस गाड़ी का, लेकिन वो है ऐसी, उस बंदे ने इसी गाड़ी को देख के वो गाड़ी पसंद की है, क्योंकि वो बड़ा बंदा है बड़ी गाड़ी लेगा, आप छोटे बंदे छोटी गाड़ी लेंगे, बाहर गाड़ी वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, 3-4 करोड़ की गाड़ी है, ये बता देते हो ब्लैक कलर की गाड़ी है और कन्वर्टेबल है, शायद उसकी खुलती है वो अभी नहीं बता सकता किसी गाड़ी में, अभी सरप्राइज रिवील नहीं कर सकता, किसी पे 2 दिन उसी के पास था वो अभी नहीं बता सकता, बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा कि हम भी जाएं घूमने फिरने, अगर मैं गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले हमारी गाड़ी सर्विस होगी और हमारे मैट जो हैं भाई, मैट देखा आपने फिर वही किया ना, मैट ले आओ ना यार मेरी जान। अच्छा जी मैं यहाँ से फ्री होकर सीधा निकलते हैं,
मोबाइल वाला काम करा लेते, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा। हम जो नहीं समझते यार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं अंदर इसलिए बैठा हूं कि मेरी अपनी दुकान है भाई, है मेरा। क्या है, कोई सदमा है या कुछ मैनेज करोगे? है कोई कोई हमारा कुछ बड़ा सदमा नहीं लगेगा? हाँ, हमारा कुछ सांस थोड़ा सा बराबर कर दो। इसकी एलसीडी कितने की भाई जान? एलसीडी इसकी है 22-23 हज़ार की। नहीं तो 25 हज़ार का सदमा लग जाना भाई। गिरा भाई ऐसे ही यार, गिरे ना कोई मोटरसाइकिल चलता गिरे या फेंके हम, चलो समझ में आता है। बात करता करता बस वो जाना मेरे हाथ में छूट गया और गिर गया। या तो ये हो ना, मतलब फेंके तोड़े गुस्से में, ये तो फिर चलो कोई बात नहीं यार। ये बैठे बैठे फटीके जो आजकल आ रही है ना, मज़ेदार नहीं आ रही यार। चलो जिसको खोलते हैं, खोलने के बाद बताते हैं कि क्या सोचते हैं। हमारी जो फटीक है वो पड़ गई है, नहीं पड़ी। एल के लेने गया था बच्चा, पैसे नहीं होता वो ले आया यार। मेरा भाई ये मैंने तो पेचकस 60 रुपये का मिलता था, कितने का हो गया? 400 रुपये का पेचकस हो गया। महंगाई ने भाई कमर तोड़ दी सबकी। उस्ताद कह रहा है इससे पहले काम शाम बिल्कुल जीरो थे, अब कुछ बेहतर हो गए हैं। है ना सर जी? उस्ताद जी फैट अप हुए पड़े थे जी, बेहतर है अब कुछ बेहतर है। बहरहाल जी, ऑपरेशन थिएटर में आ गया, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया इसका। देखो अब डॉक्टर साहब हमें क्या कहते हैं, बताते हैं। इस तरह खुलता है जी, मैं तो बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ। पहले तो चलो मोबाइल वो काम करते रहते थे ना, हमें पता होता था किस तरह खुलते हैं। अभी तो आपके भाई बिल्कुल जीरो मीटर हो गए, क्योंकि 2019 में हमने छोड़ी थी। इसी रेमे सेंटर में मेरी शॉप थी, तीन शॉप्स थी मेरी। बस अभी छोड़ा है, अभी कुछ नहीं पता किसी चीज़ का। अभी देखिए मशीनें आ गई हैं, ये देखो पटे पटे बज रही है सूं। वो ये देखो, ये पूरा लैब है जी, ऑपरेशन थिएटर। जैसे ऑपरेशन में होता पेट फूट का, इधर मोबाइलों का ऑपरेशन होता है ऐसे। वो साथ असर है, मेरी बातें सुन के असर हो साजी। भाई अल्लाह करे कोई सदमा ना लगाओ, बाकी ख्याल है जी। नया पैनल लगा दिया ओरिजिनल, और ये जो था वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, सदमा लग गया इसको 26-26 हज़ार का। और ये अल्लाह की रहमत से ये मोबाइल के बाद पड़ा हुआ था ओरिजिनल, इसकी बैटरी मिस थी। मैंने तो कहा ये वाला कलर कर दो, उन्होंने कहा नहीं जी वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, आप एलसीडी ही लगवा लो। अब एलसीडी तो ऑन हो गई है, लेकिन अब ये टाइम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं 8 घंटे बाद ऑन होगा। चलो कोई नहीं, हमको ले लेते हैं 8-8:30 बजे जाना, चेक कर लेंगे, मसला नहीं है। करने होते हैं फिलहाल ये वाला काम तो हो गया, लेकिन जब तक ये डिस्प्ले में नहीं आएगा, नंबर वंबर नहीं चलेगा, ये वाले 8 बजे से निकल जाओ। पहले नहीं चल रहे थे, अभी चल रहे हैं, अभी ये चल रहे हैं, पहले नहीं चल रहे थे। घर नहीं बल्कि गाड़ी का बैटरी वाला मसला करा रहे, जनरेटर वाला मुझे जरूरी है, पता नहीं जाके देखता हूँ बाहर स्टार्ट होती है नहीं होती दोबारा। ठीक है बस नहीं, मसले चल रहे हैं आज तो आपके भाई की जिंदगी में। ठीक है साजी, चलो फिर मैं इंशाल्लाह जो भी पैसे वाली मामलात होगी वो फिर हम कर लेंगे बाद में, फिलहाल हमें इजाज़त दें आप, अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा पाउच भी ख़राब हो गया था, ये लगाया था टूट गया था, मैंने कहा ये लगवा देते हैं, अब प्यारा हो गया, वैसे नया नया हो गया लेकिन टाइमर इसको लगा हुआ है। ठीक है जब निकलते हैं बस। आपके भाई को लगी थी भूख, और हमारी तो फिर यहाँ पे यादें थी ना, शॉर्मा खाते होते थे हम, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, देखते मुँह में पानी आ गया, मैंने फिर शॉर्मा ले लिया। मैंने कहा चलो नाश्ता वाश्ता नहीं किया, क्योंकि आपका भाई डाइटिंग अगर बहुत ज़्यादा लगा हुआ ना, तो इसी वजह से मैंने कहा शॉर्मा ले लेते हैं, रास्ते में खाते खाते निकल जाएंगे, चलते हैं सीधा बैटरी वाले के पास, उसको ज़रा खैर खबर लेते हैं, क्योंकि 12-15 हज़ार रुपये की उसने हमें बैटरी दी थी। और ये क्या मसला आ रहा है, हर 2 दिन बाद ये मसला करती है। देखते हैं जनरेटर का मसला, तो फिर जनरेटर का मसला तो कल करवाएंगे, अगर तो बैटरी का मसला है तो बैटरी तो फिर हमारी वारंटी में, कार्ड उसका डैशबोर्ड में पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं भाई कार्ड पकड़, अपनी बैटरी पकड़, हमें क्लेम करके दे। ये कौन सा तेरा तरीका है भाई, दलील होते हम, इतनी महंगी गाड़ी है और उसको तलब मारते हैं, स्टार्टिंग नहीं होती, वो बंदा सारा मज़ा नहीं आता ना, भरम ख़राब हो जाता है। चलते हैं आज मौसम हो गई बारिश, देख रहे हो बूंदे, जिस चीज़ का डर था वही हो गया शुरू। बस फिर अभी हजूरी 500 आपके भाई ने जाया किए हैं यार, क्या कह रहे हैं आपके भाई, गंदी गाड़ी भी बर्दाश्त नहीं होती हमारे से। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, कल फिर धुलवा लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। वैसे ना इस मौसम में ये शॉर्मा खाने का मज़ा अपना है, शॉर्मा समोसे, इतना खूबसूरत मौसम हो गया ना मुल्तान का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेट बैंक पहुँच गए हम और आए हैं, ज़्यादा सामान डालता होगा, मैं सूखा सूखा खाता है डाइटिंग के चक्कर में, क्योंकि फिर मिर्ची वगैरह लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये क्या हो रहा है जी मुल्तान में नवाबशहर चौक पे, ठीक है शियो का हो रहा है या फलस्तीन के बारे में हो रहा है, कोई शियो के बारे में हो रहा है, जलसा हो रहा है, रोड ब्लॉक किया हुआ सारा का सारा। स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसे पता लग जाएगा, देख लें ज़रा कि जनरेटर का मसला है या बैटरी का मसला है। ये बैटरी ली भी आपसे, ये कार्ड दिखाऊं,
ऐसे हो। चलो चलो मैं बताता हूँ जी आप सबको कि इसका क्या मसला है, इसका क्या मामला चल रहे हैं, क्यों बीमार है, नजर दुकान फांसी कर रही है। माशाल्लाह आजकल क्या हालात हुए हैं, महंगी हुई हैं बैटरी, सस्ती हैं अभी डाउन हुई हैं। अच्छा यानी कि अभी रेट शेट नहीं बढ़े, अब तो सीजन आ गया आप लोगों का। हाँ अभी सीजन नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं तो अभी सीजन स्टार्ट होगा, बैटरियाँ बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान का असूल है ना, जिस चीज़ का सीजन होता है वो चीज़ महंगी हो जाती है। पाकिस्तान का असूल है, हमारा मीटर चला गया बाहर। अभी अंकल जी बताएंगे क्या स्टोरी है, क्या मसला आ रहा है, बैटरी बताएगी क्या है। अंकल गुड बैटरी आ रही है, गुड बैटरी आ रही है, पर जनरेटर का मसला है। मैं दो दिन गाड़ी को सलाफ ना मारूं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो ये यार बता रही है कितने परसेंट चार्ज है? 85% बैटरी हेल्थ है। तो कितने पे ख़त्म होती है बैटरी हेल्थ पे? ये सर 50 से नीचे है, फिर तुम लो रहना। अभी कितनी बैटरी हेल्थ है? 82। तो यानी कि 2 महीने में 18% उड़ा दिया इसने, ये तो फिर गलत बात नहीं है। कौन है, कौन जनरेटर वाला बंदा, कौन आपकी नज़र में अच्छा? यार ये जनरेटर कौन चेक करता है आपकी नज़र में, कौन अच्छा है? जी गुजर कोटे रोड पे जाऊँ या परले रोड पे जाऊँ? ठीक है ठीक है। सूफी ठीक है, एक कितनी तरह का काम है ये? सॉरी कितनी देर का काम है ये? जनरेटर चेक करना 10 मिनट का काम है, उसके बाद जगह कोई फॉल्ट होगा तो हाँ करवाना चाहे तो आपकी मर्जी। चलो फिर चेक आपको 5 से 10। हाँ चलो चेक करवा लेते हैं उसको फिर। सूफी शफीक, सूफी शफीक चेक करा लेते हैं, अगर अभी 5-10 मिनट का हुआ तो अभी करवा लेंगे, अगर ज़्यादा देर का हुआ तो फिर भाई बाद में कराएंगे। अभी रात हो रही है, बारिश हो रही है किसी टाइम भी, और दुबई में बड़ी बारिश हुई है यार, बड़ी बारिश हुई है दुबई में। जमदम हमारी दुकान फिर डूब गई अल्लाह की रहमत से। यार ये मुझे समझ नहीं आई कि बैटरी हेल्थ इसकी 2 महीने के अंदर 18% कैसे चली गई। या तो ये अंकल मेरे से कर रहा फिल्म, या फिर अभी जाके जनरेटर वाला ही बताएगा फिर क्या स्टोरी है। ट्रैफिक है आज, पता नहीं मुल्तान में क्यों नहीं है, मंगल बुध का दिन है आज, बहुत ही ट्रैफिक है यार, बहुत ही ट्रैफिक। चलो भाई चलो 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 जी आ गए जी सीधे खास शफीक साहब के पास। क्या मसला आ रहा है भाईजन? तो फिर क्या मसला है, हर 2 दिन बाद इसको मौत क्यों पड़ती है, स्टार्ट क्यों नहीं होती? हेडलाइट जलाओ जी। हालांकि नई गाड़ी है, इसको मसला तो नहीं करना चाहिए जनरेटर का। ये कह रहे हैं जनरेटर ठीक है, और भजन ठीक है, आप तो पैसे ठीक है आपकी, ठीक है आप तो पैसे ठीक है आपकी, हमारी वीडियो देखते हो आप? देखते हैं जो भी आपसे मिले। अच्छा अच्छा अच्छी लगती हैं, सही होती है वीडियो, बनानी चाहिए और बनानी चाहिए। चले जी मेहरबानी। अब साथ है मोदरा मेरे, तो मसले से निकालो। हर 2 दिन बाद इसको नजरा जुकाम खांसी हो जाता है, तंग आया हुआ हम तो इससे। चाबी आई नहीं, रिमोट है इसका मेरे गेम में। अच्छा चलो लॉक कर लेते हैं इसको। चाबी किधर है जी? चाबी है जी। अच्छा ये भी बताते हैं चाबी जो भी मंगा रहे हैं, टेस्टर मंगा रहे हैं, फिर ये बताते हैं क्या पोजीशन है। क्या मसला आ रहा अंकल? इसकी वायरिंग शॉर्ट है। तो अभी काम ये इलेक्ट्रिशियन पकड़ लेगा इस चोर को? ये मैंने लाइटें लाइट लाइट जो लगवाई हैं इसकी वजह से नहीं, ये लाइटें मैंने नीचे ऊपर लगवाई हैं। चलें जी अब नवा शहर चलते हैं। जो जनरेटर वाला मसला तो हल हो गया, वो ख़राब नहीं है, जो ख़राब है जी वायरिंग वो चेक करवा लेते हैं इलेक्ट्रिशियन से, वो छोटा ही काम है, देखते हैं चलते हैं नवा शहर। ना बैटरी का मसला है ना जनरेटर का मसला है, कोई तार शार्ट है जिसकी वजह से बैटरी कंज्यूम हो रही है और ये एक दिन बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो मैं ये वाला काम तो करवा लेते हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा मसले वाला काम नहीं होता बड़ा, लेकिन ढूंढना ट्रेसिंग करना मसला है। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे मिल जाए, टाइम बच जाए। मैं कह रहा था कि आप लोगों को आज शोरूम का रिव्यू देते, नया स्टॉक दिखाते, इतने देर मैं शोरूम पर जा रहा था, शोरूम पर भी नहीं जा सका आज ना, सुबह का मैं फिर रहा हूँ इधर उधर उधर इधर इधर उधर। यकीन करो अभी टाइम क्या हो गया, अभी 7 बज गए, अभी ये वाला काम कराते कराते शोरूम ही बंद हो जाएगा, फिर घर चले जाएंगे। यार टाइम का वैसे दिन छोटे हैं, टाइम का पता नहीं लगता, और गर्मी स्टार्ट हो गई है। एसी मैंने इसलिए नहीं चलाया कि गाड़ी बैटरी चार्ज नहीं थी, क्योंकि मैंने गाड़ी थोड़ी चला लेते हैं, एसी चलाएंगे तो फिर बैटरी दोबारा तंग करेगी,
क्योंकि जगह जगह रुकना था, माल प्लाजा इधर उधर लेना देना, तो मैंने कहा फिर दोबारा भाई बैटरी वाले को पकड़ कर लाना पड़े, बैटरी थोड़ी चार्ज हो रही, तो मैंने विंडो खोली हुई है। चलते जी नवा शहर, उससे भी मिलते हैं, उसकी सुनते हैं वो क्या कहता है, देखते हैं कोई काबिल बंदा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई नया चांद चढ़ाएगा वो ढूंढना पड़ेगा कोई काबिल बंदा। शहर तो आगे इलेक्ट्रिशियन बने, आगे पीछे हुआ पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अपनी छत काली है ना ग्लोसी ब्लैक है, और ये पीछे स्पॉयलर ब्लैक लगा हुआ है, और ये पीछे वाला हिस्सा भी ग्लोसी ब्लैक है, तो ये तो खैर हम स्मोक करवा रहे हैं आज, थोड़ी स्मोक हो जाएगी, प्यारी लगेगी लाइट ना। और मैं सोच रहा हूँ रिम है ना, ये मैं काले करवा लूँ, काला रैप आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो ये डाले को भी लगा हुआ है, ये काला हुआ पड़ा रैप देख रहे हो, ये देखो अलग है सिल्वर और काला होता है, तो इसने पूरा काला करा हुआ, प्यारी लग रही है गाड़ी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी करवा लेता हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि 2 घंटे लगेंगे, देखता हूँ अगर थोड़े दिन में हो जाता है काम तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिशियन और इसका साथ साथ हो जाता तो करवा लेते हैं, अगर नहीं होता तो फिर ये कल करवा लेंगे, या अगर आज ही हुआ तो फिर आज ही करवा के निकलते हैं, मेरेगी तब फाइनल करा लेते ना गाड़ी, फिर रोज़ रोकांग नहीं करेगी ना। तो इस्लाम भाई के हैं, आपको पता है इस्लाम भाई की दुकान है, इस्लाम भाई से काम कराते हैं हम, और किसी के पास नए नए बंदों के पास नहीं जाते, नए नए बंदे नई नई बातें नए नए मामला, एक ही बंदा रखो कोई आपके सामने काम कर देता होता है, सामान सामान इकट्ठा किया वैसे। माशाल्लाह 2 दुकानें हैं इसकी, एक आगे वाली दुकान है एक पीछे वाली दुकान है, उधर से रैप हो जाता है, इधर से बाकी चीज़ें हो जाती है। ये क्या चीज़ है जी, आर्टिफिशियल चीज़ें, GTR RR, क्या रही है तो हमें नहीं पसंद, ये चीज़ें साथ में डिजिटल चीज़ अच्छी लगती है, बाकी जो भी काम होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने भी करवाना तो इससे करवा दिया, रैप कराने की कोशिश की है, अभी ये लग रहा है अभी उतरेगा, बाकी इलेक्ट्रिशियन साहब जो है वो अंदर आ चुके हैं। सुनाए सर, तबीयत ठीक है आपकी, क्या मसला है, क्या मामला आता है, LCD की वजह से ऐसा हो रहा है, पता नहीं अब कोई कटआउट है या क्या चीज़ है, शार्टेज तो है, शार्टेज चंगी भरी शार्टेज है ना, उसने भी यही कहा कि चंगी भरी शार्टेज है, उसका मसला हल कर दो यार, हम तो कसम से यार, बोलो ना इस्लाम भाई इधर आए ना, आप वीडियो आती है आप भाग जाते हैं, इधर आए आप, खूबसूरत बाल दिखाएं, खूबसूरत बाल दिखाएं, आप इधर आए आपने कितने प्यारे, अरे इधर तो आए आप इतने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें इस्लाम भाई हमारे माशाल्लाह, ये मैंने जूम आउट किया है, अब प्यारी लग रही है, उसने स्टीकर उतार दी है, और बाकी जो शॉट वाला सीन है वो जी वो कह रहे हैं डैशबोर्ड खुलेगा तो पता लगेगा क्या मसला है, नहीं तो आप कंप्यूटर वाले को बुला लो, अभी तो टाइम हो गए यहाँ इंतज़ार करते करते 8 बज गई है, तो इससे बेहतर यही है कि बस अब चलते शोरूम पे, और इंशाल्लाह कल दोपहर में इस मसले का हल निकालेंगे, अभी फ़ायदा नहीं है, और वो कह रहा है बहुत ज़्यादा ये पी रही है बैटरी, भाई इसको करवाना ज़रूरी है, वरना नहीं तो ये वाली बैटरी भी ख़राब हो जाएगी 15-16 हज़ार की बैटरी के, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, वैसे बड़ी प्राडो CHR सारा स्टॉक खड़ा हुआ है, सारा दिन तंग आ के घूम फिर के काम शाम तो ठंडे नज़र आ रहे हैं, अंदर भी कोई नहीं बैठा हुआ, अंदर डिस्प्ले पूरा हुआ है, ये मर्सिडीज खड़ी है, काम शाम बिल्कुल नहीं है जी, स्लो है, ईद के बाद स्लो ही होते हैं ना, जो बता वो मार्केट में होते हैं, आज हमारी हो गई जी बहुत ज़्यादा बस, इंतहा ज़्यादा बस, बाकी काम हम करा लेंगे गाड़ी है, कल जनरेटर वाला काम, जनरेटर वाला कह रहा हूँ शार्ट है वो वाला काम भी करा लेंगे, और रिम भी काले करा लेंगे, और एक स्पीकर भी नहीं चाह रहा तो वो भी हम करा लेंगे, बस हम चलते चलते घर आपका भाई थक गया बहुत ज़्यादा, उस लोग को हम ये ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।